प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के सातवें संस्करण में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों से संवाद किया है, जिसमें हिमाचल के 3 छात्रों का चयन भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए, और जहां हमीरपुर के कांगो स्कूल के छात्र ने पीएम मोदी से संवाद किया। पहाड़ियों की तलहटीरपुर जिले के TRDAV स्कूल कांगू के एक छात्र अभिनव राणा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभिनव, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नमस्कार। माय नेम इज अभिनव राणा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ TRDAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। सर माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी एजुकेट एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस इफेक्टिवली व्हाइल आल्सो हार्नेसिंग द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर लर्निंग रादर देन लेटिंग इट बिकम अ डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्रूशियल स्टडी पीरियड्स। थैंक यू सर। थैंक यू अभिनव। प्रधानमंत्री जी, चंद्रेश जैन, पूजा और अभिनव जैसे अनेक लोग जीवन में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दबाव की स्थिति से परेशान हैं। वे सभी तकनीक पर निर्भरता एवं इसके अधिक प्रयोग से होने वाली दुष्प्रभाव से कैसे बचें? कृपया इस विषय में उचित परामर्श प्रदान कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है और सहज जीवन में भी कहा गया है, किसी भी चीज का अति किसी का भला नहीं करता है। हर चीज उसका एक मानदंड होना चाहिए, उसके आधार पर होता है। अगर मान लीजिए मां ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से रिच है, टेस्ट आपकी पसंद का है, समय भी खाने का है, लेकिन बस खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, मां परोसती जा रही है, क्या ये संभव है? क्या संभव है? क्या कभी कभी तो आप मां को कहो, नहीं मां बस बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता हूं। करते हो कि नहीं करते हो? आपकी प्रिय खाना था, हर प्रकार से न्यूट्रिशन वैल्यू वाला था, वो समय भी ऐसा था, खाने का वक्त था, फिर भी एक स्टेज आ जाता है जब वो खाना आपके लिए तकलीफ कर सकता है, वॉमिटिंग करवाएगा, हेल्थ खराब कर देगा। आपका कितना ही प्रिय खाना, आपको रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ता कि नहीं रुकना पड़ता? वैसे ही मोबाइल के ऊपर कितना ही प्रिय चीजें, कितनी ही चीजें आती हो, लेकिन कुछ तो समय तय करना पड़ेगा। अगर आप, मैंने देखा है आजकल बहुत से लोगों को जब भी देखो लगे पड़े हैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में कभी, बहुत रेयर केस में कभी मोबाइल फोन मेरे हाथ में होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे समय का मुझे सर्वाधिक उपयोग क्या करना है।